उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में विश्व हिंदू महासंघ फिरोजाबाद के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें गरीब और असहाय लोगों को कंबल वितरित किए गए। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने कंबल प्राप्त किए। कार्यक्रम में उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी गण सहित अन्य लोग मौजूद रहे। फिरोजाबाद से राकेश वर्मा के साथ जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। रविंद्रलाल तिवारी है, मैं व्यापार मंडल का जिलाध्यक्ष फिरोजाबाद हूँ। आज कितनी महिलाओं को कंबल वितरण किया गया सर? आज लगभग मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कंबल वितरण स्थल पर सैकड़ों महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं। करीब महिलाएं और पुरुष भी यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत ही अच्छा उत्साहवर्धन के साथ इस पुनीत पावन पर्व पर ये कंबल वितरण का कार्यक्रम किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा? विश्व हिंदू महासभा, विश्व हिंदू महासंघ के तत्वावधान में जो किया जा रहा है, ये बहुत ही स्मरणीय कार्यक्रम होगा। और इस क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ शायद पहली बार ही आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं सभी विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों का इस पावन पर्व पर उनका हार्दिक वंदन और अभिनंदन करना चाहता हूँ और व्यापार मंडल की ओर से उनको सुभाषीष भी देना चाहता हूँ कि वो इस तरह से कार्यक्रम करें और व्यापार मंडल का भी सहयोग प्राप्त करें। वैसे हमारे इनाम सिंह जी जो प्रजापति हैं वो यहाँ पर वैसे ही उपस्थित हैं और अपना पूर्ण सहयोग भी दे रहे हैं और मैं इन्हीं की वजह से यहाँ पर आया और देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि विश्व हिंदू महासंघ के द्वारा जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। और ईमानदारी से बता दें इस कार्यक्रम में नर सेवा नारायण सेवा ही सबसे बड़ा प्रमोद उत्थान कार्यक्रम है। ये उनका भविष्य उज्जवल करने के लिए इन बच्चों ने जो अच्छा कार्यक्रम किया है, मैं कोट कोट उनको बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय व्यापारी जय व्यापार। अजीत ठाकुर नंदवंशी है। अच्छा, आज किस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया गया? आज पावन मकर संक्रांति के त्यौहार पर हमने जो गरीबों को कंबल वितरण करने का विश्व हिंदू महासंघ के सभी फिरोजाबाद टीम सभी कार्यकर्ताओं द्वारा कंबल वितरण का प्रोग्राम रखा। ऐसा हम हर साल करते हैं। अगली साल हमने कितने लगभग महिलाओं को कंबल वितरण किया गया है? आज लगभग सैकड़ों की तादाद में सौ से ज़्यादा को कंबल वितरण किया गया है और ऐसा हम हर साल करते हैं। और विश्व हिंदू महासंघ द्वारा और योगी आदित्यनाथ जी का परम पूज्य गरीबों की सेवा करना वही हमारा धर्म है और यही हमारा ऐसा ही हम करते रहेंगे। आज किस तरह का कार्यक्रम किया है आपने? आज 14 जनवरी मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हमने खिचड़ी वितरण का और बच्चों को मिठाइयों का वितरण किया है और ठंड के माहौल में हम पहले भी कंबल वितरण भी कर चुके हैं। आज हमने खाद्य सामग्री का वितरण किया है। डॉक्टर साहब, अगर आपके सामने कोई गरीब बच्ची की शादी का मामला आता है तो उसको लेकर आप क्या करेंगे, कितना मतलब कोऑपरेट करेंगे, कितना? बिल्कुल पूरा कोऑपरेट करेंगे और समाज में जितने भी बेसहारा लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए जो भी सहायता हमसे वो बनेगी वो हम पूरी करेंगे। संपूर्ण सुविधायुक्त स्वास्थ्य केंद्र माँ केला देवी हॉस्पिटल में इलाज कराना हुआ आसान। यहाँ पर फैमिली हेल्प कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पर सभी प्रकार की महिलाओं संबंधी व अन्य बीमारियों का इलाज किया जाता है। यहाँ पर 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं भी उपलब्ध है। शहर फिरोजाबाद पहली बार स्कूल यूनिफॉर्म स्पोर्ट्स एंड बुक सेंटर खुल गया है। अयान इंटरप्राइजेस स्कूल यूनिफॉर्म स्पोर्ट्स एंड बुक सेंटर आपको हमारे यहाँ उचित रेट पर स्कूल के बच्चों की ड्रेस व स्पोर्ट्स के आइटम पर 20% छूट मिलेगी।
ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।